स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 सीबीसी के स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें काइट दे रहा है काइट काइट का पूंछ और काइट का बॉडी और इसमें एक चीज देखिए ये जो बन रहा है बॉडी ये क्या स्क्वायर फॉर्म में द काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर किस फॉर्म में स्क्वायर फॉर्म में आपको पता है स्टूडेंट इसका का प्रॉपर्टी क्या है डायगोनल के हमेशा बाइसेक ईच अदर और डायगोनल हमेशा इक्वल होता है डायगोनल के हमेशा इक्वल होता है याद रखना रेक्टेंगल और स्क्वायर में हमेशा डायगोनल क्या होता है इक्वल होता है जैसे इसमें बोला गया है विद डायगोनल अगर डायगोनल 32 है तो ये भी 32 और स्क्वायर ये भी 32 ठीक है तो स्टूडेंट ये तो डायगोनल हुआ इसको लिखें तो स्टूडेंट 32 प्लस क्या है 16 16 ये 16 ये भी 16 ये भी 16 ये भी 16 स्टूडेंट ठीक है तो आप स्टूडेंट इसमें थोड़ा नामकरण कर दिए तो आसान होगा स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ और इसको ओ ले लीजिए ठीक है क्यों स्टूडेंट लिख लो था अगर ये डायगोनल 32 है तो ये भी क्या है ये भी 32 ही रहेगा ठीक है तो आप यहां पे स्टूडेंट देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट पार्ट क्या दिखा रहा है स्टूडेंट 32 क्या है डायगोनल बाइसेक हो रहा है ये 16 ये 16 दोनों हाफ हो रहा है 32 का पूरा 32 था उसका हाफ हो रहा है ठीक है स्टूडेंट तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट बीओ इक्वल टू ओडी हाफ ऑफ इज अ स्ट्रेंथ 32 सेंटीमीटर 216 जा उसमें स्टूडेंट हम क्या लिखे स्टूडेंट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट क्या होगा स्टूडेंट ओ में डायगोनल क्या होगा बाइसेक्ट होगा अब ये देखिए ये चीज दिखाया इसका भी सेम दिखाया रिजल्ट तो सेम होगा EO इक्वल टू OC हाफ ऑफ 32 सेंटीमीटर ये भी कटेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर रिजल्ट तो सेम होगा स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट each other at O. स्टूडेंट कितना है आंसर 16 सेंटीमीटर ठीक है स्टूडेंट तो यहां पर क्यों स्टूडेंट इसका देखिए फर्स्ट निकाल रहा हूं फिर सेकेंड भी थर्ड कर देंगे और थर्ड के लिए आपको क्या स्टूडेंट यूनिट फॉर्म यूज करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल फर्स्ट का सिंपल प्रॉब्लम है इसमें कि दोनों का मेजरमेंट क्या है फर्स्ट का जो मेजरमेंट है सेकंड का मेजरमेंट क्या है दोनों सेम है स्टूडेंट हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल क्या स्टूडेंट एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल तो इसके स्टूडेंट इसका फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट ये ट्रायंगल सपोज इसको ड्राइंग की बोला मैं ये पूरा बेस बनेगा ठीक है स्टूडेंट ड्राइंग बोल ही देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए कोई भी एक पार्ट चाहे ऊपर या नीचे कोई भी एक पार्ट दिखा दे जैसा ए ओ बी डी ये हो गया 32 सेंटीमीटर तो ये स्टूडेंट क्या है 16 एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इसका आपको फॉर्मूला याद है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ बेस था 32 हाइट था 16
situation to exam. Into centimeter into 8 centimeter. Student, अगर मैं 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 टू 16, 24 प्लस 1, 25, 256. Student, आंसर इन स्क्वायर आंसर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहां पर आपको प्रॉब्लम सुनाई इजी था, ठीक है. अब ये होने के बाद देखिए, बस दो तो आ गया, तो लास्ट जो है ये है बस मसाला फटा, ठीक है. आप ये मसाला को आप जानते स्टूडेंट कैसे करना है, योग फॉर्मूला से, ठीक है स्टूडेंट. चलिए हम सब को आगे बढ़ाते हैं. तो यहां तो कोई पनिशमेंट इसी था, क्योंकि ऊपर का जैसा होगा नीचे भी, दोनों के सेम मेजरमेंट है, इसने दोनों को इक्वल दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट. चलिए फर्स्ट स्क्रीन हो गया, अब हम करेंगे थर्ड वाला. अब थर्ड वाला क्या है, हम फॉर्मूला ए बी सी कर देते स्टूडेंट. हम करेंगे इन ट्रायंगल ई सी एल स्टूडेंट कौन सा क्या है, एस हम फॉर्मूला फॉर्मूला याद है, एस हाफ ए प्लस बी प्लस सी हाफ ए ए था 6, बी भी 6, सी था 8 सेंटीमीटर. 12 प्लस 8 20 डिवाइड बाय 2 टू टेन्स आर 10 सेंटीमीटर. सो दिस वे 6 इज 12 प्लस 8 20 होता है, 20 काम के स्टूडेंट 10. तो यहां तक प्रॉब्लम सुना है. अब मुझे थर्ड का एरिया निकालना है, तो उसको आप दे सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड. एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज थर्ड ट्रायंगल, एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल. इसका फॉर्मूला वही है स्टूडेंट, रूट ओवर S S minus A S minus B S minus C, ठीक है स्टूडेंट. तो यहां तक कौन से स्टूडेंट इसी है, यहां तक तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट S S 13 10 minus A A था, आप देख सकते स्टूडेंट यहां ट्रायंगल A स्क्वेयर है, ये बी है और लास्ट वाला सी है. 10 माइनस 6 10 माइनस 6 10 माइनस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टूडेंट याद रखें कौन से स्क्वायर आपको इजी है, स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 10, 10 से 6 आने से क्या स्टूडेंट 4 होगा, यहां भी 4 होगा और यहां पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टूडेंट क्या है सुनिए, एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल. तो आप स्टूडेंट आप तोड़ सकते इसको, टेन को तोड़ सकते हैं, टेन को तो क्या स्टूडेंट 2 5 10, 4 तो दो ऐसे मिलाएंगे दोनों से कितना जाएगा, और एक 2 है सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 2 4 में से एक निकलेगा, एक 4 2 2 है तो एक निकलेगा, बचा क्या स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपका वैल्यू है ए रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट आपको रूट नहीं चाहिए, थोड़ा स्क्वायर, रूट का वैल्यू निकालना है, तो आपको रूट का वैल्यू निकालना था स्टूडेंट, ठीक है. तो हम रूट का वैल्यू निकालते स्टूडेंट, आप समझिए स्टूडेंट जो भी रूट 5 का वैल्यू आएगा उसको एक से क्या, एक से
मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हमने इसके रूट फाइव वैल्यू फाइव, इसमें दो स्टेप लेता मैं, दो स्टेप, ठीक है। ये थोड़े तीन स्टेप कर लेते ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका आंसर ज्यादा एफिडेट याद रखना। तीन करने से पढ़ के बाद तीन करने से आंसर क्या ज्यादा एफिडेट होगा। तो ये है फर्स्ट नंबर फाइव, फाइव इससे स्टूडेंट टू का स्क्वायर, टू जब फोर, टू का स्क्वायर क्या स्टूडेंट फोर होगा। आप ये चीज पता स्टूडेंट वन, ये पॉइंट ऊपर जाएगा दो जीरो, हमेशा जोड़ी उधर जाएगा, टू ए तो टू ही लेंगे, जो इधर होता है उसी को प्लस करना होता है फोर, और इसमें हमेशा रहता है हर स्टेप में एक डिजिट बढ़ेगा, हर स्टेप क्या होता है एक डिजिट बढ़ता है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट फोर हुआ, तो मैंने यहां पर क्या है एक स्टेप बढ़ेगा तो मैंने एक बॉक्स लिया। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट ये टेन है, तो फोर से क्या करने से टेन का नतीजा आएगा, फोर टू जा, अब ये टू है तो ऊपर नहीं गया है, टू 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 जा फोर, टू फोर जा एट, मतलब स्टूडेंट फोर्टी टू, यहां टू होगा एटी फोर, स्टूडेंट माइनस करते स्टूडेंट सिक्सटीन होगा दो जीरो, स्टूडेंट आपको दो जीरो दिख रहा है बेटे नीचे में, टू है लास्ट, हमेशा लास्ट नंबर टू है, टू को प्लस करते हैं 44, तो आपको क्या बात स्टूडेंट हर स्टेप में एक डिजिट बढ़ेगा, इधर 44 आया प्लस करके और थोड़ा खाली रहना स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट बढ़ेगा, हर स्टेप में डिजिट बढ़ेगा स्टूडेंट। तो आप याद रखिए स्टूडेंट 44, स्टूडेंट या सेम हो या इससे छोटा 16 से, आप सोचे सर अगर 4 को 4 से किया 16 होगा, हाँ मैं मानता हूँ 4 को 16 होता है, पर ये 4 से देखिए यहाँ पर कुछ कैरी नहीं आएगा, कैरी आने से क्या है 16 से ज्यादा हो जाएगा, स्टूडेंट हम 4 से करने से स्टूडेंट इससे क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, अब माइंड में कुछ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 4 से क्लियर पाएगा, हम 3 से करते हैं, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 12 प्लस 1 30, तो आप यहां पे से स्टूडेंट 3 इज आ, आप यहां पे से स्टूडेंट 3 1 3 2 9, फिर से माइनस में 10 3 4 5 6 2 7 1, तो स्टूडेंट क्या है यहां पर 2 0, फिर से उतरेगा स्टूडेंट 2 0, ठीक है। तो आप क्या बोलते स्टूडेंट पीछे का नंबर क्या है 3 है, तो 3 प्लस करते हैं 4 4 3 3 6 आया, तो आप क्या बोलते स्टूडेंट 4 4 6, हमेशा एक यहां पर एक डिजिट बढ़ा, यहां पर एक बढ़ा, हमेशा हर स्टेप में एक बॉक्स बढ़ेगा, एक डिजिट बढ़ेगा स्टूडेंट। तो यहां तक प्रॉब्लम स्टूडेंट इजी था, तो आप यहां पे सकते अगर 6 4 जा 6 से लिया स्टूडेंट 6 4 जा 24 इसका नतीजा आएगा, अगर 7 ले ले तो हो जाना था स्टूडेंट 6 से देखते 6 4 जा 24, तो 27 का बहुत नजदीक है, अब ये 6 हुआ तो ये भी 6, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, ये कैरी 6 4 जा 24 प्लस 3 24 प्लस 3 27 7 3 कैरी 6 4 जा 24, स्टूडेंट ज्यादा आ रहा है, स्टूडेंट ज्यादा आ रहा है, स्टूडेंट अगर किससे होगा स्टूडेंट 5 से, ठीक है स्टूडेंट। तो
स्टूडेंट मेरा वैल्यू है यार यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या लगेंगे सिक्स यहाँ पे सिक्स होगा तो वैल्यू आया 2 6 7 9 6 स्टूडेंट इसको आप माइनस कर भी सकते हैं नहीं कर भी सकते ठीक है मेन क्या है यहाँ तक दिखाना है ठीक है स्टूडेंट तो आपका वैल्यू आया 8 × √5 वैल्यू 2.236 सेंटीमीटर स्क्वायर अब स्टूडेंट आपको राउंड अप करना था स्टूडेंट अब हम राउंड अप क्या है स्टूडेंट 8 × 2.3 स्टूडेंट अगर ये देखिए हम 2 decimal place कर रहा हूँ 2 decimal place पीछे का नंबर क्या है 6 है याद रखना स्टूडेंट राउंड अप में 5 to 9 अगर कोई भी नंबर आएगा 5 6 7 8 9 तो 1 क्या है स्टूडेंट 1 क्या ही होता है सिक्स स्टूडेंट अरे यहाँ पर वही आ रहा है देखिए 5 to 9 में आ रहा है 6 आ रहा है समझ यहाँ पे क्या ही होगा नेक्स्ट में से क्या ही होगा 3 + 1 = 4 2.24 क्योंकि इसका कोई काम नहीं है किसी ने कैरी किया सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसको मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट 2.24 को इससे करते हैं 8 × 4 = 22 3 कैरी 16 × 99 = 16 70 तो आंसर है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये मेरा आंसर है ठीक है तो सर कैलकुलेशन सर सही है ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें ठीक है स्टूडेंट आप ये को ड्रॉइंग करके इसके डिजाइन है ये फ्लोर डिजाइन देखिए स्टूडेंट ये फ्लोर डिजाइन फ्लोर डिजाइन और फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टायर्स देखिए स्टूडेंट आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 टोटल 16 टायर्स है ये 16 में से देखिए स्टूडेंट मेजरमेंट सेम है देखिए इसका जो व्हाइट का मेजरमेंट और ब्लैक का मेजरमेंट दोनों क्या है सेम है अगर मुझे एक पार्ट का आंसर आ गया 16 से क्या करना 16 से राइट मल्टीप्लाई करना है यूनिटी मेथड तो स्टूडेंट देखिए आप देख सकते 20 इधर भी है 20 इधर भी है 35.9 28 35.9 28 35.9 और व्हाइट और ब्लैक दोनों में क्या है सेम दिख रहा है चलो स्टूडेंट हम ड्राइंग को बोलते हैं तो फर्स्ट था 28 9 35 इसका मैंने एक आ दिया तो मुझे कितना करना है कितना करना था 60 में एरिया करना अगर एक एरिया आ गया 60 को चिंता ही नहीं स्टूडेंट ठीक है चलिए हम फर्स्ट वही करते हैं तो फर्स्ट पार्ट आएगा ये देख सकते तीनों साइड डिफरेंट है मतलब क्या स्टूडेंट स्केल है और स्केल क्या होता है स्टूडेंट हिलोर फॉर्मूला एस हाफ ए प्लस बी प्लस सी स्वामी जी साहब होगा ए 35 प्लस 9 प्लस 28 सेंटीमीटर ठीक स्टूडेंट आप सबको प्लस करिए स्टूडेंट आप प्लस करें कितना आएगा 28 35 9 9 प्लस 5 14 14 plus 8 = 22 to carry 3 4 5 6 7 स्टूडेंट कितना है 72 है 72 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 236 था सेंटीमीटर चलो स्टूडेंट यहां पर कौन स्टूडेंट इजी है अब हम करेंगे ये क्या है स्टूडेंट अगर एक निकल गया तो 60 तो इजी में शुरू कर रहे हैं ठीक है और स्टूडेंट क्या देख सकते हैं एरिया ऑफ 1 टाइम्स
put over as minus a, as minus b, as minus c. तो यहां पर कौन से स्टूडेंट इजी है, तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 36 माइनस ए, अब ए क्या है डिफाइन करें, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर कौन स्टूडेंट इजी है यहां पर, तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 36 माइनस 35 1 आएगा, 36 माइनस 28 आपका ही होगा 36 माइनस 9, 36 स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर 27 स्क्वायर, कितना स्क्वायर 27। तो स्टूडेंट क्या बोले सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है यहां तक, चलो सब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी ब्रेक करते हैं स्टूडेंट। तो आप इसे कंक्लूजन देख सकते स्टूडेंट, तो यहां पर लिख देते हैं एरिया ऑफ वन टाइम्स। तो स्टूडेंट आप 36 कर सकते हैं, 36 में क्या स्टूडेंट 3 3s are 9, 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, अब इको जोड़ दें, 2 को 3 बार लिखते स्टूडेंट, अब बचा 27, ये 3 को 3 बार लिखते स्टूडेंट, 3 को 3 बार, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक भी पहुँच में अब यहां से आप देख सकते हैं कहानी का मकसद, ठीक है स्टूडेंट, क्या देखेंगे 3 2 3 4 5 था, तो स्टूडेंट 4 में से 2 निकलेगा, तो हम 2 3 को निकालते हैं, यहां 2 कितना है 1 2 3 4 5 है, फिर से 2 जोड़ी 2 2 निकलेगा, क्या बचे स्टूडेंट 2 और 3 बचेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट इजी है, तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 9 2 आर 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ये क्या था, तो मुझे कितना करना स्टूडेंट, मुझे कितना करना है 16 का। चलो हम दिखाते हैं स्टूडेंट एरिया ऑफ 16 टाइल्स, 16 इंटू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब 36 को 16 से करते स्टूडेंट, 36 इंटू 16 21, 1 6 से 6 1 3 से 3 स्टूडेंट आंसर कितना है 576, स्टूडेंट ये आ गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो इतना तो हो गया स्टूडेंट, पर इसमें क्या बोला है फाइंड द कॉस्ट, अरे वहां कीमत बोला है, इसका दाम कॉस्ट बोला है, कोई बात नहीं जो भी दाम है जो भी इसका मेजरमेंट आया है उससे क्या 50 को 50 पैसे रुपये से चेंज करना है स्टूडेंट, 50 को रुपीज में चेंज करना है, 50 पैसे रुपया करना है रुपीज में चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स, अब जब पॉलिश कर स्टूडेंट तो ये हो गया है, तो 576 से स्टूडेंट 50 पैसे, 50 पैसे मतलब क्या स्टूडेंट 50 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मुझे रुपीज में चेंज करना है,
वैसे छोटा होता है 50, और पता है 1 रुपए कितना 100 पैसा होता है, 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, और जो आंसर आएगा आंसर कितने स्टूडेंट रुपीस में आएगा, जीरो से स्टूडेंट के अंदर रूट सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट सिक्स इंटू 50 बाय 100, ठीक है स्टूडेंट, यहां पर कौन स्टूडेंट जीरो जीरो का 5 × 5, 5 × 10, कुछ करें स्टूडेंट 2 × 4, 2 × 16, 2 × 16, तो मेरा आंसर है 288 रूट 6। अब स्टूडेंट हमें मुझे क्या करना स्टूडेंट, सिर्फ रूट सिक्स का वैल्यू निकालना है, अगर रूट सिक्स का वैल्यू आपको आता है निकालना डिवीजन मेथड से तब आराम से कर सकते स्टूडेंट, कोई बात नहीं रूट सिक्स दिखाए थे स्टूडेंट आपके लिए ताकि आप डिवीजन मेथड में ज्यादा कर सकें, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपने क्लास एक में किया था पर बहुत स्टूडेंट भूल चुका है, आप यहां देख सकते स्टूडेंट सिक्स, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। अब ये जो सिक्स है, सिक्स का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4 होगा, सिक्स माइनस 4 2 आएगा, पॉइंट यहां होगा स्टूडेंट 2 0 नीचे आएगा, 2 है तो 2 ही प्लस करेंगे 4, इसको आप देख सकते हैं 4 आया, अब 4 को हमेशा एक स्टेप यहां बढ़ता है, हमेशा हर स्टेप देखिए बस 2 to 4 हुआ यहां पर एक स्टेप बढ़ेगा, इसी कारण से मैं बॉस लेता स्टूडेंट ताकि इजी हो। अब ये 20 है, अगर नया 5 लेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा तो 4 लेते हैं, क्यों 4 × 4 = 16, तो 20 का बहुत नजदीक है, अगर 5 ले रहे तो देखा स्टूडेंट आप इससे बड़ा होगा फिर आपको घटना पड़ता है नीचे, जिसमें 4 × 4 = 16, 16 + 1 = 17, 4 होगा यहां भी 4 = 176, सो इसको माइनस करो स्टूडेंट 10 8 9 10, 2 4 फिर से इसमें 2 0, 2 0 उतर जाएगा स्टूडेंट, तो आप यहां देख सकते हो लास्ट नंबर क्या है 4 है, तो 4 प्लस होगा 48, और हमेशा एक स्टेप बढ़ते जाएगा, तो मेरे के स्टूडेंट 48 एक बॉक्स बढ़ेगा, अभी 24 है तो 4 से क्या करने से 24 का नजदीक जाएगा, अगर मैं यहां पर 5 लेता स्टूडेंट फिर देखो इसमें ज्यादा होगा, देखिए 5 × 5 = 40, 0 4 इसमें ज्यादा हो जाएगा, अगर 5 भी लिया तो इससे क्या स्टूडेंट ज्यादा हो जाएगा, तो स्टूडेंट 4 लेके देखते हैं, 4 × 4 = 16, 8 × 32 + 1 = 33, ठीक है यानी 4 × 16 = 17, 18 = 19, तो स्टूडेंट यहां पे कौन है स्टूडेंट, तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 4 चलिए 4 आगे स्टूडेंट 4 × 16 = 32, 16 × 19, तो स्टॉप स्टूडेंट 1 9 3 6, माइनस करो स्टूडेंट, ठीक है एडमिशन बढ़िया से करना स्टूडेंट, अब यहां देख सकते स्टूडेंट 0 4 10 0 9 10 14 4, चलिए ये भी आ गया, अब लास्ट 2 0 है स्टूडेंट, लास्ट 2 0 अब क्या करना है देखिए क्या सवाल क्या करना है,
प्रवेश हुए हैं, ये 4 + 4 = 8, 8 = 4, 4 = 8, 4 = 8, 4 = 8 स्टडी करते हैं, और हमेशा एक स्टेप बढ़ेगा चलो, हमेशा आप हमेशा क्या करना, एक स्टेप हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब ये 4 है, 4 से क्या करने से 46 का नतीजा है स्टूडेंट, ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट 4 9 = 36, 9 से कैसे लिखते हैं, 4 9 = 36, 9 times 8 = 1, 8 carry, 9 is 72, 72 + 8 is 0, 8 carry, 9 is 72, 8 is 0, 8 carry, 9 = 36, 36 + 8 = 44, so this will answer over here, 4 4 0 0 1 student, बस इतने का आपको माइनस के लिए चलेगा, ठीक स्टूडेंट, तो मैंने कहा स्टूडेंट रुपीज 280 रूट सिक्स का वैल्यू 2.449 स्टूडेंट, इसको राउंड ऑफ कर दे, स्टूडेंट इसको क्या करें हम लोग राउंड ऑफ कर दे, कितना स्टूडेंट 2 decimal place, फिर से कभी आपको बताया स्टूडेंट कभी भी नंबर जब रूट रूट को सिंगल करते हैं हम लोग अगर 5 to 9 कोई भी नंबर आएगा तो 1 कैरी हो रहा है, देखिए अरे 9 आ रहा, तो 9 मतलब स्टूडेंट 9 तो आ रहा है, यहाँ पर क्या है कैरी हो रहा, मतलब स्टूडेंट रुपीज 288 × 2.45, ठीक है स्टूडेंट, आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर अलग से आ जाएगा, तो 288 × 2.45, थोड़ा सा ये सब इजी है, बस इसमें आप क्या रूट को थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, आसान तो आसान ही है स्टूडेंट, आप देखिए ऐसा कुछ लास्ट में रूट में लाके स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट टीचर क्या करते हैं टीचर रूट में छोड़ देता है, ठीक है वो भी गलती है, तो वैल्यू निकालना ज्यादा अच्छा होता है, तो 5 × 0 = 4 carry, 5 × 40 = 4, 45 to 10, 40 हो गया, क्रॉस करते 4 × 32 = 32, 32 + 3 = 5, 3 carry, 4 × 8, 19, 11 दो क्रॉस, तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं 32 2 3 carry 32 divided by 3 carry 8 and 11 double cross 2 into 16 6 16 + 1 17 2 into 4 5 इसमें cross करें इसको 6 10 55 10 0 5 6 7 इसमें कितना पॉइंट है, दो का पॉइंट है, तो मैंने इसमें दो का पॉइंट दिया, तो मेरा आंसर है रुपीज 705.60, तो यहां तक इसका फाइनल आंसर है, तो बहुत ही स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट क्या है आपको टीचर बुक में छोड़ देता है, ठीक है वो भी गलत करके बात नहीं, पर स्टूडेंट आप तब बुक में देखना बुक का आंसर में डेसिमल दिया है, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।